नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत की कमान संभाली है तब से भारत हर दिशा में तरक्की कर रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की धाक दिखती है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत की विदेश नीतियां रंगला रही हैं। इसका ही नतीजा है कि भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी करने में सफल रहा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है। इसका नाम है क्वाड। इसका मकसद है एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाना और अशांति फैलाने वाले देशों पर लगाम कसना। इस गठबंधन क्वाड की पहली समिट शुरू हो चुकी है। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन हिस्सा ले रहे हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ये क्वाड गठबंधन की पहली समिट है और इसमें भारत की गूंज सुनाई दी है। इस समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए अहम कार्य क्षेत्र है और क्वाड के सदस्य देश कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माण के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अपने भाषण की शुरुआत की नमस्ते से की। और आपको बता दें कि जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने भी कई बार भारत का नाम लेते हुए उसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बड़ी ताकत बताया है। इसी के साथ बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको हर बार साथ रहेगा और हमारे सभी सहयोगियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समूह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यावहारिक समाधान और ठोस परिणामों के लिए समर्पित है। मॉरिसन ने कहा कि चारों देश एक नया भविष्य तैयार करें, समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाए रखने के लिए आपस में सहयोग करें। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडो पैसिफिक अब 21वीं सदी में दुनिया का भाग्य निर्धारण करेगा। अब ऐसे में चीन पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि महान लोकतंत्रों के चार नेताओं के रूप में हमारी साझेदारी शांति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं क्वाड के इस सकारात्मक दृष्टि को भारत के प्राचीन दर्शन वासुदेव कुटुंबकम के विस्तार के रूप में देखता हूं। हम पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा कि हम साझा मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए एक निरपेक्ष, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक की स्थापना करेंगे। आई सी दिस पॉजिटिव विजन एज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज एंशिएंट फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम व्हिच रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज वन फैमिली। इसी के साथ आपको बता दें कि द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। हालांकि इसकी शुरुआत साल 2004 और 5 के बीच भी हो गई थी, लेकिन जब भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में आई कई देशों में सुनामी के बाद मदद का हाथ बढ़ाया था। क्वाड में चार देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड ने मीटिंग हुई थी और इसमें पहली बार न्यूजीलैंड, कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ इस समूह के गठन के बाद से चीन चढ़ा हुआ है और लगातार इसका विरोध भी कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार धमकी दे रहा है। साथ ही नसीहत भी दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुट निरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे। लेकिन अब उसे भारत की ताकत का अंदाजा हो चुका है, लिहाजा अब सुर बदल रहे हैं। क्वाड की इस बैठक पर चीन ने कहा कि उसे निशाना ना बनाया जाए। चीन ने कहा कि क्वाड में शामिल देशों को आपसी समझ, सहयोग और आदान प्रदान पर बात करनी चाहिए। उसने कहा कि इस सम्मेलन में शामिल देश शांति, स्थिरता और भाईचारा को कायम रखने के लिए सिद्धांतों पर काम करें। इस खबर में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की इस तमाम खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।